कर लेते हैं व्हाट इज सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन क्या होता है? सनस्क्रीन वो होता है जो सन के बीच में एक बैरियर आपका क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर बाहर निकलते हो कहीं आउटडोर अगर आप निकलते हो तो सनस्क्रीन से क्या होता है ना, जो आपका सन का जो यूवी रेज होता है ना वो आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। जैसे आपकी एजिंग की प्रॉब्लम आती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, जस्ट बिकॉज कि आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो। तो सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो सनस्क्रीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप सनस्क्रीन अप्लाई करोगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत अर्लियर, और जब रेडनेस अगर आपको हो जाती है जैसे ये बाहर निकलते हो, तो इसलिए आपको एक अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। तो क्यों हमें थोड़ा ज़्यादा SPF अप्लाई करना चाहिए? SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो SPF क्या करता है, जितना ज़्यादा SPF आपके सनस्क्रीन में होगा वो उतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हमारे जिस तरह का हमारा वेदर है, इस अकॉर्डिंग हमें मिनिमम 30 SPF अप्लाई करना चाहिए और मैक्स टू मैक्स हमें 50-60 अप्लाई करना चाहिए। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू, ये लोटस बोटैनिकल पर स्किन ब्राइटनिंग मैट फ्लूड सनस्क्रीन का रिव्यू है। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो यू कैन सी द पैकेजिंग, तो इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलता है, ये ट्यूब फॉर्म में है, यू कैन सी इस तरह सीधा कैप, गोल्डन कलर का इसका कैप है। इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, 645 इसका प्राइस है, जिसमें आपको 75 ग्राम आपको क्वांटिटी मिलती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है 2021 से 2024 तक की आपकी शेल्फ लाइफ है। और ये जो प्रोडक्ट है पैराबेन सल्फेट, कोई भी इसके अंदर हार्श केमिकल नहीं है, इसके अंदर कोई भी मिनरल ऑयल्स नहीं है, ऑल्सो क्रुएल्टी फ्री है, और ये रिसाइकलेबल पैकेजिंग है इसकी। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, ओके। तो ये जो है SPF 50++ है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, यू कैन सी द इसका टेक्सचर, इस तरह का इसका टेक्सचर है, मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी इस तरह का लिक्विडी सा इसका मैट टेक्सचर है, जो कि आपकी बहुत अच्छे से मैट फॉर्मूला, अगर आपकी ड्राई या फिर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपको ऑल स्किन टाइप जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, इसका जो लाइक फॉर्मूला है एक तरह से लिक्विडी है, जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में जब्स हो जाता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यू कैन सी ये इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया, आप देख सकते हो। और यू कैन सी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा बेटर ये लगा है कि ये आपको कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है। मोस्टली मैंने जो सनस्क्रीन अप्लाई करी थी, जो मैं अभी करती थी, मुझे ना वाइट कास्ट मिलते हैं, जो कि अगर आपको स्वेटिंग होती है ना तो वो वाइट कास्ट आपके तो फ्लो करने लग जाते हो वाइट। तो मुझे इसका प्लस पॉइंट ये लगा, ये मैट फिनिश है तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो मैंने इसको अगर आप देख सकते हो, इस लुक में मैंने कुछ भी जस्ट एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा लेवल का सनस्क्रीन अप्लाई करा है। ये सनस्क्रीन मतलब अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा सा टिंट आपको पिंकिश टिंट मिलेगा, मतलब आपकी थोड़ी सी कलर करेक्शन भी ये कर देता है। ऑल्सो इट हैज़ विटामिन सी, विटामिन सी हेल्प करता है आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, ऑल्दो अगर आपको थोड़ा सनबर्न हो रहा है तो उसको भी ये थोड़ा सा फिगर आउट करता है, थोड़ा सा क्लीन करता है। इस सनस्क्रीन की बात करो, अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो सो दैट आपको टैनिंग, डार्क स्पॉट हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, एजिंग की प्रॉब्लम हो गई, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई, उस सबसे बहुत जल्दी जो आपको अर्लियर आ जाते हैं वो नहीं आएंगे, इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जस्ट आपको 3 पाम, आपको इतना आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, आपको लगातार आफ्टर दो घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन, क्योंकि जिस तरह का वेदर है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। तो आपको सनस्क्रीन जैसे आप सन के एक्सपोजर में आओगे आपको अप्लाई करना है। ऑल्सो अगर आप अपने घर में भी रहते हो, इंडोर भी रहते हो, तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज यूवी रेज तो हमारी विंडो से भी आती है। सो इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। ऑल्दो ये जो 50 SPF है तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देगा, ये 50-75% आपको प्रोटेक्शन देगा सन बर्न से, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक बैरियर क्रिएट कर देगा। सो ये नॉन कमोडोजेनिक है, सो डैट अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके फेस पे कुछ रिंग लाइक अगर कुछ इरिटेटिंग स्किन भी अगर है आपकी है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी स्किन पे पिंपल है तो भी आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो। ये डर्मेटोलॉजी ऑल्सो टेस्टेड है और पैराबेन फ्री है, सो इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स नहीं है।